पता है ये इतने बड़े बड़े सूटकेस देख के मेरे को क्या लग रहा है, कम से कम हम 15-20 दिन महीना घूम के आए हैं। तो भाई आप सबको बहुत बहुत थैंक्स, बहुत ही बढ़िया स्टाफ। तो फाइनली हमने बहुत दिल पे पत्थर रख के डिसीजन लिया कि प्रीति को यहीं पर छोड़ के जा रहे हैं। तो प्रीति को मैंने बोला यहाँ तक हो के वापसी नीचे आना 2000 रुपए दूंगा। भाई बहुत दिनों बाद गियर वाली गाड़ी चला रहा हूँ। चीयर्स है। आइसक्रीम जितनी मर्जी चॉकलेट वाली ये वो अटरम शटरम खा लो। डायनासोर बनू उड़ता चलो। सामान हमारा सारा पैक है, ये रहा मेरा सूटकेस, ये उसके ऊपर शेकर रखा हुआ है, ये मैं भूल गया था डालना, अभी अभी मेरे को मिला है। और थोड़ा बहुत सामान यहाँ बिखरा हुआ है बिकॉज मैं वीडियो एडिट कर रहा था। यहाँ पर हो रहा है मेरा ड्रोन चार्ज, बाकी सब पैक है, निकलने की तैयारी है। और टाइम हो चुका है 11:30 तक ब्रेकफास्ट होता है, प्रीति चलेगी। मैंने प्रीति को बोला था वहां जाकर उनको रोक लियो, अगर ब्रेकफास्ट खत्म हो रहा होगा मतलब बंद हो रहा होगा, एक्चुअली बुफे का टाइम होता है 10:30 तक, अगर बुफे बंद हो रहा होगा तो मेरे लिए थोड़ा खाना रोक लियो। तो मुझे लग रही तगड़ी वाली भूख, पहले खाना खाएंगे उसके बाद सामान बाहर निकालेंगे, चेकआउट करेंगे, चेकआउट का टाइम 11 बजे का है, और फिर निकल लेंगे दिल्ली के लिए। सही है भाई, ये फाउंटेन बढ़िया लगते हैं। सबसे बढ़िया ना मेरे को ये वाली गली लगती है, मतलब पूरा ग्रीनरी ग्रीनरी, ऐसा लगता है पेड़ों के बीच में से निकल के जा रहा हूँ, ऐसा लगता है क्या निकल के ही जा रहा हूँ। तो ये रहा हमारा आज का मेन्यू, और इसको देखो भाई। अबे इसमें दूध कहाँ है? दूध यहाँ को ऑर्डर करा है। ऑर्डर करा है, लेकर आ रहे हैं? हाँ, बना के गरम चीनी डाल के। प्रीति मेन्यू को याद कर रही है, बहन याद नहीं करना, बस देख के बताना क्या खाना तूने। हाँ एग मेरे लिए 5 बॉइल्ड एग कर देना और पूरी आलू। देखो हम पूरी की पूरी फैमिली यहाँ पर आ चुके हैं, सिर्फ जीजू रहते हैं, जीजू भी तैयार नहीं हुए थे, और प्रीति भाई सबसे पहले नहा के रेडी हुई थी, घर में सबसे लेट नहाती और यहाँ पर सबसे पहले रेडी होती है, इसकी भाई शाबाशी वाली बात है। बाहर आके सबसे पहले रेडी होना चाहिए, घर पे तो ये मुझे अपने काम काजों से फ्री नहीं होने देते, मुझे ऐसे लटका के। अबे घर पे 1 बजे सो के उठती है, कितने बजे सो के उठती है? 1 बजे सो कर पैरी बताएगी स्कूल कैसे जाएंगे, तू भी देगा? हाँ ले, तब भी खुद उठी थी, मैं खुद उठ के मम्मी को उठाती थी कि उठ जाओ। हो गया अब हो गया, और कितनी बेइज्जती करा दी है, छोड़ने भी नहीं जाती स्कूल, अचंदर में यही जाते हैं। ले ताली देसी बात पे फटाफट से। सुबह सुबह का ब्रेकफास्ट कौन सा? चॉकलेट कह रहे हो, चॉकलेट। तो अब आ गई पूड़ी आलू की बारी, स्ट्रॉबेरी शेक, तेरा कौन सा बनाना? मेरा तो बटर, कौन सा शेक? बटर स्कॉच, बटर मिल्क, ओके लस्सी है, और साथ में डोसा। भाई घर पे अगर हम इतना सा टैंक भी छोड़ देना, जीजू और मेरे को बाहर निकाल लेती है। और यहाँ देखो इतना सारा मंगा लिया, खा नहीं रही, तेरे को खाना पड़ेगा, अच्छा नहीं लगता ऐसे। इतनी खा क्यों नहीं रही? मैंने खा लिया। ये लस्सी, ये आलू के पकोड़े, वो ब्रेड। तो भाई आप सबको बहुत बहुत थैंक्स, बहुत ही बढ़िया स्टाफ है यहाँ का, स्पेशली ये मैडम हमेशा हंसती रहती है, हमेशा स्माइलिंग फेस, थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू। चलो फिर मिलेंगे जब आएंगे तो, ओके बाय बाय। क्या कर रहा है गुब्बारे? वो देख एक नीचे रह गया, वो देख नीचे नीचे उधर, ये रहे सूटकेस के नीचे तो रह गए। ओ बल्ले। तो भाई इस बढ़िया से रूम को बाय बाय कहने का टाइम, इस बढ़िया से स्विमिंग पूल को बाय बाय कहने का टाइम, प्रीति का तो जाने का मन ही नहीं हो रहा, बाहर ही नहीं हारती जा रही है, दोबारा ना आना है। चेकआउट का टाइम ना 10:30 का था, लैपटॉप पे पैर नहीं लगा रहा, लेकिन एक तरीका होता ना यार कि आए हो टाइम से निकल जाओ, मतलब घर पे आके बस जाओ, तो सुबह नहलाना था ना उनको, अब भागती जा रही अंदर। देखो इतने बड़े रूम होने का ना फायदा भी होता है, घाटा भी होता है। फायदा ये है भाई स्विमिंग पूल में नहाओ, जहाँ मर्जी सो, जहाँ मर्जी पार्टी करो, कोई टेंशन नहीं। घाटा ये होता है जब आप पैकिंग करके वापस जाने लगते हो ना, आपको एक एक रूम एक एक स्विच अच्छे से देखना पड़ता है कि भाई कोई चार्जर तो नहीं लगा रहेगा, अगर एक चीज भी रह गई ना वो बाद में मिल जाएगी, लेकिन यहाँ से रह गई आगे जाके अपने को दिक्कत होगी, तो अच्छे से चेक करना उसके बाद ही निकलना है। चेकआउट अपना हो गया, लगे सारा पैक है, बस प्रीति रेडी हो रही, कुछ प्रेस वगैरह करी थी कपड़े, उसके बाद गाड़ी में सामान डालेंगे। पहले हमारा प्लान था यहाँ से चौकीदानी जाएंगे, लेकिन मौसम ठीक ठीक है, ज़्यादा धूप भी नहीं है और ज़्यादा छांव भी नहीं है, अगर रस्ते में प्लान बनेगा चले जाएंगे, नहीं तो सीधा दिल्ली के लिए निकल जाएंगे। अरे तू नहीं तो है नहीं, मेकअप क्यों करी जा रही है यार? सबको पता है नाइट सूट पहन के नहाली है और नाइट सूट पहन के मेकअप कर रही है। बिना नहाए मेकअप करने कोई फायदा नहीं, सबको दुनिया को दिखा रही है नहाई है।
लेकिन नहीं तो है नहीं। बाकी टोटल सूटकेस गिनना कितने अपने पास? 1, 2, 3, 4, 5 पांच आए थे दो दिन के लिए, दो भी नहीं एक ही दिन लगा लो। तो फाइनली हमने बहुत दिल पे पत्थर रख के डिसीजन लिया है कि प्रीति को यहीं पर छोड़ के जा रहे हैं। अब आई नहीं रही, कपड़े वपड़े अपने सारे रख लिए अपने आप आएगी बाहर। अब यहाँ पर विला के बाहर लगाएंगे, फिर हॉर्न मारेंगे जैसे घर के बाहर नहीं मारते। तो आ जाओ ये आ रही पैरी भाई, कीरत आ गया, जीजू आ गया और ये पैरी भी आ गई। पैरी मम्मी कहाँ है, क्या कर रही है? बैकपैक। अच्छा छोटे वाला बैकपैक। हेलो बहन, कहाँ रह गई थी? इतनी जनता तेरी इंतजार कर रही है। अच्छा कहाँ है, दिख तो एक नहीं रही। ये गाड़ी में सारी बैठी तो है जाने के लिए। भाई गर्मी को मद्देनजर रखते हुए हमने चौकीदानी का प्लान कैंसिल कर दिया। प्रीति का बहुत मन था वहां पर धूप में घूमने का, टैन कराने का, लेकिन कैंसिल। शॉपिंग करने का मन, शॉपिंग करने का। प्रीति जाना है, क्या कर रहा है? नहीं जाना तो मत जाओ। पक्का? अगली बार आ जाएंगे, थोड़ा मौसम सर्दी वाला आएगा ना। ठीक है भाई अभी कैंसिल करते हैं, सही में बहुत ज्यादा धूप है भाई। और तुम्हारे भाई का फिर भी गोरी तो अच्छा काली हो जाएगी ना, फिर दिक्कत रहती है। और भाई प्लीज अब ये कमेंट मत करना कि मैं गोरे काले में वो कर रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। तुम्हारा भाई भी काला है, काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं तो टेंशन नहीं है। ये तो बस मजाक चलता रहता छोटा मोटा। उतर के सोच चले अच्छे से, अगर तूने अभी भी कैंसिल किया तो 4000 देगी। हाँ ये देख रहे हो, ये आई थिंक मस्जिद है। तो प्रीति को मैंने बोला यहाँ तक होके वापसी नीचे आना, 2000 रूपए दूंगा। स्टेयर्स बनी हुई है। हाँ जा जा जा, गाड़ी लगा लो जीजू यहीं पर है भाई, है स्टेयर्स है बिल्कुल उसके बाहर ही। ऐसे जाके वो जा रही ऊपर। एक काम कर, 4000 का। 4000 क्यों करते हो भाई, मजाक हो रहा है? ऐसा कोई नहीं है, पैरी को 2000 नहीं चाहिए भाई। ये सामने वाला पहाड़ देखो कितना ही सुंदर लग रहा है। इस माउंटेन का भी ना कोई नाम होगा, पक्की बात है। कितने स्टाइल से मतलब काटते हैं ना। हाँ तभी तो बिल्कुल प्लेन हुआ पड़ा। सही जमा लो। ये बिल्डिंग देख शंकी। देखो भाई ये रास्ते में एक होटल दिखाया जीजू ने, मेरे दोस्त का। आपके दोस्त का ही है। हाँ। ये देख रहे हो ये पुल, ये यहाँ था ये होटल। ये कह रहे हैं क्रेन लगा के पीछे किया जैक गया। लगा के, जैक लगा के। ऐसे कैसे हो सकता? हाँ, है पूरी टेक्नोलॉजी है। चल मैं पूछवाता हूँ। नहीं रहने दो। मैंने तो ऐसा सुना ही पहली बार है कि भाई पूरा होटल ही, बाहर की कंट्री में हो सकता होगा लेकिन यहाँ तो ऐसा पहली बार सुना है कि पूरा होटल जैक लगा के पीछे कर दिया। यहाँ पुल बनना था, या तो वो टूटता या पीछे जाता, तो उन्होंने पीछे कर दिया। ये टेक्नोलॉजी, अभी भी मैं विश्वास नहीं कर रहा ये टेक्नोलॉजी है। कौन सी मूवी में आया ये? हाँ वो पूरा घर ही इंडिया ले आते हैं, पूरा घर ही लेके आ गए थे ना इंडिया। लेकिन ये कुछ और, ये टेक्नोलॉजी है, पूरी पीछे जाती है वो तो चलो फेक थी, ये होता है। दही जमा लो। देख भाई एरोप्लेन जा रहा है, रेस्टोरेंट बनेगा, रेस्टोरेंट इस पे देख ले, पूरा एरोप्लेन ट्रक के ऊपर है। क्रैश नहीं हुआ, ये खराब हो जाते हैं ना उसको ले जाते हैं, फिर उसके रेस्टोरेंट बनाते हैं, होटल बनाते हैं तेरे खाने के लिए। पीछे कौन कौन खा रहा है भाई? मैं। जैसे कैमरा बंद होगा फिर खा लेगी। लेने खोलते नीचे कर दिया क्या? कम तमाम नहीं, सीधा बैठ के खाना है क्या? बर्कोस भी है, बर्कोस भी है और बर्गर किंग भी है भाई। 4 crispy chicken 1 hot and cheesy अच्छी बता रहा हूँ। देखो प्रीति तेरे लिए वाओ मोमो आया। ओ भाई मेरे, प्रीति ये गोगल लगा के बैठ गया। ये देखो ये लड़की अकेले मोमोज खाने चली गई है, बर्गर नहीं खाई है जीजू। अपने घर का रास्ता यहाँ से सिर्फ 20 या 25 किलोमीटर ही है। खाने को घर जाके भी खा सकते थे लेकिन तगड़ी वाली भूख लग रही थी। सुबह वहाँ पे ब्रेकफास्ट किया था, अभी लंच का टाइम हो गया था, अभी खा लिया पी लिया मस्त सो जाऊंगा। बोले आधा पौधा घंटा तो लगेगा पहुँचने में, आधा पौधा घंटा तो लगेगा ना पहुँचने में। आधा घंटा मान लिया। क्या उनको क्या आवाज मार रही है? एक काम करना बहन, ये सारे ये जितने भारी भारी बैग है ना ये मेरे को दे दे, ये भारी बैग मेरे को दे, ये वाला लैपटॉप वाला और ये सूट केस भारी लग रहा है ये मेरे को दे, ये जितने हल्के हैं ना ये सारे तू उठा ला। पागल ये तो
तो ले यार तो ओके हम घर पहुंच चुके हैं भाई, सामान निकाल रहे हैं। अरे बाबा जी जो गाड़ी चला के आया ना इसलिए कह रहे सारा सामान तुम लेके आना, मैंने मेहनत करी अब तुम्हारी बारी है। पता है ये इतने बड़े बड़े सूटकेस देख के मेरे को क्या लग रहा है, कम से कम हम 15-20 दिन महीना घूम के आए हैं। देख मेरे लिए तो सरप्राइज था, तुमने मुझे बताया नहीं था, तुमने कहा कपड़े पैक कर ले 2-3 दिन के, पर अगर तुम मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा मेमोरेबल था और बहुत ही बढ़िया। बट मुझे पता होता ना कि एक दिन के लिए जाना है तो शायद एक ही टच ही इनफ थी, शायद बैग ये देख कोई कोई कहेगा कि हम शायद इंटरनेशनल टूर मार के आ रहे हैं। ये देख हे भगवान। चल बेटे आ जा, बेटे मौज कर दी। पहली बस मेरे को 15 मिनट लेंगे, मैं वॉशरूम होके आ रहा हूँ, फिर चलते हैं। मम्मी बाय। दरवाजा भाई मेरे को वॉशरूम नहीं जाने देगी भाई, इसको जाना है बास्केटबॉल की क्लास में और मेरे को छोड़ने जाना है और मैं अभी नहीं जा सकता। चलो चलो चलो, कोई पुलिस वाले अंकल ये मेरे को बहुत परेशान कर रही है, दो चाटा। जिसकी क्लास है उसका आता पता नहीं है, हम दोनों जा रहे हैं। मैं उसको बोल रहा था मेरे को वॉशरूम जाना है, जाने दे, वॉशरूम जाने नहीं दिया, अब हम बाहर जा रहे हैं, वो अंदर ही बैठी हुई है। चल कोई नहीं, हम दोनों चलते हैं, आज हम खेल लेंगे, है ना। और स्विफ्ट की चाबी हमें मिल नहीं रही है, कहाँ रख दी है, तो हम किया ही लेके जा रहे हैं। भाई बहुत दिनों बाद गियर वाली गाड़ी चला रहा हूँ, आते जाते पूरे जयपुर से जीजू ने चलाई थी। आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा, आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा। तो भाई पैरी को बहुत ही ज्यादा जल्दी थी इसलिए हम बहुत ही ज्यादा स्पीड से जा रहे हैं, 6 की स्पीड से, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल सेफ जाएंगे, बिकॉज गाड़ी में बैठती पैरी ने कहा जल्दी नहीं आराम से चलाओ, तो मैंने पहले गियर पे डाल के एकदम छोड़ दिया, अपने आप जितनी स्पीड पे चलेगी चलेगी, 6 की स्पीड पे चल रही, स्पीड ब्रेकर आ गया, क्रॉस होगा नहीं होगा देखते हैं। अरे हो गया, 7 पे करा इसने, क्योंकि मम्मी धीरे चलाती है, मेरा कैमरा ऑन था और मैं इसकी आवाज रिकॉर्ड कर रहा था। ये पता मेरे को धीरे चलाने को क्यों कह रही थी, ये इसलिए कहती क्योंकि मम्मी धीरे धीरे चलाती है, इसलिए मम्मी को आधा घंटा पहले ही बोल देते कि छोड़ के आओ, और हम चलाते थोड़ा स्पीड में, तो मुझे कह रही धीरे धीरे चलाओ जल्दी पहुंच जाऊंगी, मम्मी धीरे ही चलाती है, तो अच्छा ना धीरे चलाती, सेफ चलाती है। बोल कुछ अब नहीं निकलेगी इसकी आवाज, नहीं तो प्रीति पहले इसको घुसंडी घुसंडी। चले तेरे को अंदर छोड़ने या क्या करें, नहीं तो चली जा। तो अभी अभी हमें प्रीति का कॉल आया कि मटर और दूध और एक दो चीज़ और बोलती थी जो कि मैं भूल गया हूँ, मतलब मैं गाड़ी चला रहा था ना इसलिए मैंने फोन पे ज़्यादा सुना नहीं, मैंने उसको बोला व्हाट्सएप कर दे नहीं तो दुकान पे पहुँच के उसको कॉल करता। तो हम जा रहे हैं सेक्टर 23 की मार्केट और ये कह रहा है मेरे को आइसक्रीम खानी है, उसको आइसक्रीम भी खिलाएंगे। कौन सी आइसक्रीम खाएगा, क्या वो बोर्ड उसका बड़े वाला, अच्छा पहले बोर्ड पे देगा फिर बताएगा। चलो ठीक है, ब्रेड आ गई, मटर आ गए, 2 किलो दूध दे दो, फुल क्रीम, और क्या लेना, और क्या था, और हाँ बर्तन धोने वाला साबुन। सब्जी तो नहीं लेनी, नहीं ले भाई तेरी कोला आइसक्रीम, चीयर्स है। आइसक्रीम जितनी मर्जी चॉकलेट वाली ये वो अटरम चटरम खा लो, लेकिन जो बर्फ वाली आइसक्रीम का मजा होता ना वो अलग ही होता है। हमने कोला फ्लेवर, हाँ इसी ने बोलता कोला खाऊंगा तो मैंने बोला मैं भी खा लूंगा, यार जो मैंने खाई थी ना पूरी कोला की शेप में बनी थी, बढ़िया। अबे उठा ना, सीट पर रख इसको तभी तो मैं उठाऊंगा। दरवाजा बंद करके आइयो, ब्लॉग भी बनाना है, आइसक्रीम भी खानी है, सामान भी उठाना है, तो ऐसे ही काम बनेगा ना भाई। तो ये है भाई इसकी नई आई वॉच, इसको आटे से खेलना बहुत पसंद है, और टाइम बता दूं मैं आपको, टाइम हो रहा है भाई 10:15, वो मैंने यहाँ देखा उसमें नहीं दिख रहा, बहुत बढ़िया। और प्रीति शोर मचारी मूवी देखने जाना है और बैठ के 1.5 किलो चेरी खा चुकी है। तो ये रील देख रहे हो, इसको एग्जिट कर दो जरा, और प्रीति मेरे को कह रही है ये रील मेरे साथ बनाई हो, वो जो बच्चा इस रील में उड़ रहा था ना वो पंछी हो सकता है, ये पंछी कहाँ से हो सकता है, इतने मोटे डोले वाला बोला था, पंछी की जगह क्या होगा, पंछी की जगह होगा डायनासोर बनू उड़ता चलो ओ भाई बनाएगी मेरे साथ रील, मैं गाना भी तेरे कंपोज करूंगा, डायनासोर बनू उड़ता चलो बस गगन में, खुल के ऐसा कर दो मैं खुल के। ये देखो भाई इतना दिमाग
दिमाग कहाँ से लाते हो? बहन भाई किसका हूँ मैं, हम दोनों भाई बहन एक जैसे, हाथ मिला ले फटाफट से इस बात पे। तो भाई सीन ऐसा है, पहले हमारा मूवी का सीन बनना था जो कि अब कैंसिल हो चुका है। हम कल जाएंगे बिकॉज आज बहुत ज्यादा थक चुके हैं, इतनी दूर से ट्रेवल करके आए हैं और उसके आने के बाद यहाँ पर भी घर पे एक मूवी देख ली। बाकी ठीक है, इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, होप करते हैं आपको मजा आएगा। यहाँ तक वीडियो देख ली, लाइक करे बिना बिल्कुल मत जाना। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं करा सब्सक्राइब करना, कमेंट करके बताना वीडियो में क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा। मिलते हैं किसी बड़े से वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय बाय बाय। जीत भले आ जाए मौत अब हुआ कामयाब, ना बचा किसी का खौफ अब। शोहरत पाली मैंने दौलत पाली, पापा की छाती चौड़ी के सामने टिकेगा कौन।